द फीड के अगले शिकार हो सकते हैं रोमन रेंस, रैंडी ऑर्टन लेंगे फेस टर्न, विंस मैकमैन को पसंद आई स्मैकडाउन की वुमन रेसलर, और जॉन मॉरिसन के रिटर्न पर क्या अपडेट है जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम चार बड़ी खबरें कवर करेंगे जिनमें से तीन न्यूज है और एक स्पेकुलेशन है। सबसे पहले बात करते हैं एपेक्स प्रेडेटर यानी कि रैंडी ऑर्टन की। तो रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए काफी बढ़िया खबर निकल कर आ रही है, रैंडी ऑर्टन जल्द ले सकते हैं फेस टर्न। तो एक खबर दोस्तों ब्रोक की है डेव मेल्जर ने, जो कि दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं रेसलिंग जगत के, उनके अनुसार रैंडी फेस में तब्दील हो सकते हैं यानी कि जल्द हील से फेस टर्न ले सकते हैं। इसके पीछे का रीजन दोस्तों उन्होंने काफी एक्यूरेट दिया। उनके अनुसार रैंडी जो कि पिछले साल एक्सट्रीम रूल्स में अपना हील टर्न किए थे जब दोस्तों उन्होंने जेफ हार्डी को मारा था, तो वहां से लेकर अभी तक वो हील निभा रहे हैं, लेकिन जल्द वो फेस में तब्दील हो सकते हैं। और इसके पीछे का रीजन दोस्तों उनका हाल ही में ऑफ एयर होने के बाद यानी कि स्मैकडाउन के ऑफ एयर होने के बाद केविन ओवंस का साथ निभाना भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्मैकडाउन के ऑफ एयर होने के बाद उन्होंने केविन ओवंस की मदद की और क्रूजर वेट्स की खटिया खड़ी की, ऐसे में दोस्तों इसे जोड़कर देखा जा रहा है उनके फेस टर्न से। वहीं अब वो रॉ के अंदर ड्राफ्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में सही समय है उनका फेस टर्न लेने का, क्योंकि अभी अभी वो रॉ के अंदर ड्राफ्ट हुए हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि सुपरस्टार्स फेस या फिर हील में तब्दील हो जाते हैं जब वो अपने ब्रांड्स बदल लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, होप करते हैं रैंडी फिर से फेस में तब्दील हो जाए, क्योंकि 2018 से लेकर 2019 का जो इनका हील रूप रहा है काफी घटिया रहा। इस दौरान उन्होंने बेहद कम टाइटल्स जीते। बट अब हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो गाइस वो जुड़ी हुई है हमारी विंसेंट कैनेडी मैकमहन यानी दोस्तों विंस मैकमहन और एक ऐसी वुमन रेसलर से जो कि आ चुकी है उन्हें पसंद। तो गाइस लेसी इवंस आ चुकी है विंस मैकमहन को पसंद। तो गाइस हुआ क्या है कि जो लेसी इवंस का कैरेक्टर है, जो वो गिमिक निभाती है, वो विंस मैकमहन को काफी अच्छा लग रहा है। और उसमें सबसे अच्छी चीज उन्हें ये लग रही है कि लेसी कभी भी अपने गिमिक से बाहर नहीं निकलती है, जहां भी वो जाती है एज ए लेडी बनकर जाती है जैसे वो WWE में रहती है, तो वो चीज विंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये भी है कि जो लेसी इवंस है वो इससे पहले फौज में थी, वो मरीन में थी, और जो विंस मैकमहन है वो इसीलिए लेसी को पसंद करते हैं। अब गाइस पसंद की बात की जाए तो स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट होना सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों जो लेसी का आप पुश समझ सकते हैं। लेसी नटालिया से हारी है हाल ही में, लेकिन स्मैकडाउन के अंदर वही लोग जा रहे हैं जो कि ज्यादा व्यूवरशिप ला सकते हैं। ए शो के लिए उन्हें ए सुपरस्टार्स की जरूरत है, यानी कि ग्रेड ए के सुपरस्टार्स की जरूरत है। और आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि जितने भी सुपरस्टार्स स्मैकडाउन के अंदर जा रहे हैं वो सभी के सभी विंस मैकमहन का थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू अब आप समझ चुके हैं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्मैकडाउन में जाना एक तरीके से प्रमोशन की तरह देखा जा रहा है और विंस मैकमहन को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है लेसी। जल्द उन्हें पुश भी मिल सकता है इसके चलते। बट अब हम चलते हैं आज की अपनी तीसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो गाइस वो जुड़ी हुई है जॉन मॉरिसन से। तो आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि जॉन मॉरिसन का क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जॉन मॉरिसन WWE में आने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि किसने खबर ब्रोक की कि वो आने वाले हैं ड्राफ्ट के अंदर। लेकिन स्टिल दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है ड्राफ्ट से, कहीं ना कहीं उनका रिलेशन माना जा रहा है। रूमर ये चल रहा है दोस्तों कि रॉ के अंदर यानी कि जो कल रॉ होने वाली है उसके अंदर वो पार्ट ले सकते हैं, और ये हल्का सा रूमर है, ज़्यादा बड़ा रूमर ये नहीं है, यानी कि ज़्यादा पुष्टि इसके ऊपर नहीं है। और माना ये जा रहा है कि रॉ के अंदर ही वो ड्राफ्ट हो जाएंगे, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि जॉन मॉरिसन रॉ के अंदर ही आने वाले हैं कल या फिर आगे जाके उनका रिटर्न होने वाला है। हाँ ये खबर पक्की है कि वो WWE को साइन कर चुके हैं, लेकिन रिटर्न के ऊपर अभी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है, सिर्फ रूमर ही रूमर है। बट दोस्तों अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस मेन खबर जुड़ी हुई है हमारे बिग डॉग रोमन रेंस से। गाइस रोमन रेंस वर्सेस ब्रे वाइट अब हमें देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीजन दोस्तों आपको डिटेल में बताता हूं और कब देखने को मिल सकता है वो भी बताता हूं। तो गाइज आपने पिछली स्मैकडाउन देखी, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जो रोमन रेंस है वो फाइट किए सेथ से, लेकिन वहाँ दोस्तों फिंड आ गए, फिंड ने धावा बोला सेथ के ऊपर, जिसके चलते वहाँ हो गई डिस्क्वालिफिकेशन और रोमन रेंस मैच को हारे।
हालांकि दोस्तों अटैक हुआ था सैद के ऊपर, डिस्क्वालिफिकेशन के चलते वहां रोमन रेंस को हार झेलनी पड़ी और इसका बदला दोस्तों रोमन रेंस ले सकते हैं फिंड से। वहीं फिंड की बात की जाए, फिंड के एंगल से देखा जाए तो जो सैथ के सबसे करीबी है अभी WWE के अंदर वो रोमन रेंस ही है। और स्मैकडाउन में दोस्तों जो ड्राफ्ट हुए हैं फिंड, अभी के लिए यही चीज़ मानी जा रही है कि इन दोनों के बीच में हमें इन फ्यूचर राइवलरी देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि क्राउन ज्वेल से पहले इनके बीच में राइवलरी स्टार्ट हो, लेकिन बाद में दोस्तों यानी कि एक दो महीने बाद ये थिंग हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एक मयान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। 2 घंटे का शो रहता है स्मैकडाउन और उसके अंदर रोमन रेंस और ब्रे वाइट कभी ना कभी एक दूसरे के करीब तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उस वक्त दोस्तों आपका सपोर्ट किसे रहेगा ये कमेंट करके मुझे बताएगा जरूर। बट आज की वीडियो इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।